बहुत अच्छा लगा। फर्स्टली तो फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, मैं आया और कल भी मैं आया था ये शो देखने के लिए। कल मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं आज वापस, इतनी बारिश हो रही है बाहर, आपको पता है मुंबई में, लेकिन फिर भी मैं आया यहाँ पे मिलने के लिए, देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आप लोग के वजह से मैं बहुत चीज सीखा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक्चुअली पढ़ा तो बहुत बार था, लेकिन एक कभी इतनी डीप में जानकारी नहीं थी। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे आज पता चला आपके एक्ट की वजह से कि वहाँ पर भी क्या हुआ था, कैसे वहाँ के लोग रहते थे। आज कल वहाँ कल का जो शो था वो शो में भी पता चला वहाँ का कल्चर कैसा है, कैसे वो लोग आगे बढ़े आप लोग अरुणाचल प्रदेश वाले। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को प्ले करने के लिए। शो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा शो, बहुत बढ़िया मेहनत किया लोगों ने। और जो कंटेंट है, जो आजादी में लोग शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की है, अरुणाचल में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को वैसे रिकग्नाइज किया नहीं गया है। ये केवल अरुणाचल की बात नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा हुआ है कि जो लोग मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हुए आज़ादी के आंदोलनों में या अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है वहाँ की गवर्नमेंट का भी, और ख़ासतौर पर जो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं और जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर। सो इट्स वेरी अप्रिशिएबल, बहुत अप्रिशिएट किए जाने वाला काम है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, और जो जो कहानियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की दबी हुई कहानियाँ, उनको लोगों के सामने लेके। गोगी बाम ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका एक लंबा अनुभव है वहाँ के लोगों के साथ काम करने का। उन्होंने पहले भी एक दो नाटक डायरेक्ट किए हैं जिनमें मैंने भी जाके देखा है, बहुत करीब से वहाँ के कल्चर को समझा है। सो सी इज़ अ गुड डायरेक्टर, और अभी बहुत अच्छी बात है कि उनको JRF मिला है। जब भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करेंगी और स्ट्रॉन्ग करेंगी अपने डायरेक्शन को, अपनी स्किल को, और निश्चित तौर पे अरुणाचल की जो जनता है उसको सर्व करेंगी और काम करेंगी। बहुत अच्छा लगा, मतलब अरुणाचल का कल्चर मतलब जानने के लिए मौका मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत मतलब हम खुश नसीब महसूस करते हैं। बस इतना ही, और बाकी एक्टर्स ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस किया। ऐसे मतलब महोत्सव जैसे अरुणाचल का है, असम का है, ऐसे महोत्सव और भी कई जगह होना चाहिए ताकि लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चले और लोगों तक पहुंचे हमारी कहानी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और जितना भी हमारे फोक टेल है या हमारे नदी पर्वत पहाड़ फोक सॉन्ग कल्चर सब कुछ पता चले। ताकि इसलिए ऐसे फेस्टिवल और ज़्यादा हो, मैं यही गुजारिश रखता हूँ। बस थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या है ना, बरसात बहुत हो चुका है, इसलिए हर बहुत जगह रेड अलर्ट दिया गया है, तो ऑडियंस आ नहीं पाए। मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए, फिर भी हमारे नाटक, हमारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और एक्टर का परफॉर्मेंस, एक्टर का डेडिकेशन, एक्टर का करेक्टराइजेशन बराबर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगला शो भी बहुत अच्छा होगा कल के लिए, और कलकत्ता में भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस तो हर जगह अलग है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू किया था दामबुक से। दामबुक में जैसे हम लोगों ने शुरू किया था तब बहुत ही कच्चा था प्ले, तो और वहाँ पे हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इस प्ले को आगे कहाँ तक ले जा पाएंगे, है ना। तो अभी एक साल हो गया है, एग्जैक्टली एक साल होने को है एक महीने बाद। तो अभी इस एक साल में इतना मैच्योरिटी आ गया प्ले में कि अभी हम दिल्ली में शो कर रहे हैं, इससे पहले ईटानगर में हम लोगों ने शो किया, दिल्ली में शो किया, फिर अभी मुंबई में कर रहे हैं। तो वो जो ग्राफ जो है ना, वो ऊपर जाते हुए दिख रहा है लोगों के, मतलब एक्टर्स के परफॉर्मेंस के। यहाँ पे हम लोग मुंबई में आए हैं, इतने मतलब बारिश का मौसम है, लेकिन कुछ लोग, जो लोग ऑडियंस शुरू के दिन आए, वो हर रोज आ रहा है, क्योंकि वो लोग इस पूरा फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि मतलब एक अलग टेस्ट मिल रहा है, जैसे वो लोग इधर से बिलोंग करते हैं और हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का कल्चर, हम लोगों का रीति रिवाज, वो सब उन लोगों को देखने को मिल रहा है एज परफॉर्मेंस। वो बहुत बड़ी बात है, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है।